और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ जगहों पर उससे असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। तो हम पुनः सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे। कुछ बात अगर आप सुनते हैं तो आप नजदीक के थाने या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको सूचना देकर उनको कंफर्म हो जाए। इस टाइप का अफवाहों पर ध्यान देकर आप अपना जान को अपना समाज को नुकसान नहीं पहुंचा बिल्कुल। जैसा कोई घूम रहा है ऐसा फैला रहा है, कोरोना फैलाने की कार्रवाई हो रही है, ये सब बिल्कुल ही झूठ है। और वैसे क्रिमिनल तत्व जो समाज को नुकसान पहुंचाना चाहता है उनके द्वारा ये साजिश नचाया जा रहा है और उनको हम लोग पहचान भी रहा है। और पहचानने की कार्रवाई में जब पहचान में आएगा तो पकड़कर बहुत ही कठोर कानूनी कार्रवाई होगी उन लोगों को। सर कल इधर भी हिंदपीढ़ी से एक मामला आया था, क्या मामला? थूकने वाला मामला जिसपे जांच नहीं, नहीं, आप, आप, आप से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस पर थूका गया, उस आदमी को आइडेंटिफाई किया आप लोग? पहले उनको लाइए ना, किस पर थूका थूकने की बात बता रहा है, पहले उनको लाइए, तब से वहीं से हम लोग जांच शुरू करना है। हम उसी आदमी को खोज रहा है कि जिन पर थूकने की बात चल रहा है। तरफ से कोई सना दर्ज किया गया है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिंपल बात है, सब लोग कह रहा था कि कब आया नाक ले लिया, नाक काट के ले गया, तब नाक है कि नहीं पहले देख लीजिए अपने पास। तो इन इन चीजों को मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाह रहा हूँ। सर कितने विदेशियों का केस हुआ सर? अभी 17-28 लोगों पर जो देखे केस इसलिए हुआ कि जो टूरिस्ट वैसा में यहाँ पर भारत में आकर धार्मिक अनुष्ठानों में जो भाग लिया था वो वैसा रूल्स और फॉरनर एक्ट के अंतर्गत आपराधिक मामला है, उसमें दर्ज किया गया। अभी वो लोग क्वारंटाइन में है, जैसा क्वारंटाइन अवधि पूर्ण हो जाएगा, जब स्वास्थ्य विभाग बोलेगा कि इनको क्वारंटाइन से निकाला जा सकता है, तब उनको हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, जेल भेजेंगे।